अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज हम ये एलईडी बल्ब बनाएंगे, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये जल नहीं रहा। हम देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ ख़राब हो जाती है और कैसे हम ठीक करें, वो भी घर बैठे। दोस्तों देखेंगे जिसकी एक एलईडी ब्लैक हो चुकी है, इसको हम क्या करेंगे आगे वीडियो में, क्या करके आपको दिखाएँगे, आप खुद अपने एलईडी बल्ब ठीक कर सकेंगे। दोस्तों पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये काम करता है या नहीं करता। दोस्तों हम इसको सीरीज बोर्ड पे लगा देंगे। पहले हम एक चार्जर अपने पास रखो है, क्या हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे पता तो नहीं चलेगा। अगर लाइट ऑन हो जाएगी चार्जर की तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास लाइट आ रही है, अगर नहीं ऑन होगी तो फिर पीछे जो तार है उसको हम सेट करेंगे। इसलिए कि अब दोस्तों के लिए ये देखें कि बल्ब तो ऑन बिल्कुल नहीं हो रहा, जो सीरीज बोर्ड है वो ऑन हो रहा है पीछे से। आप देखें कि इसका जो चार्जर की लाइट है ये आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा मैं इधर करके आपको दोस्तों को दिखाता हूँ, आप देखेंगे इसकी लाइट ऑन हो चुकी है चार्ज, मतलब कि हमारा जो करंट है वो बिल्कुल ठीक है, जो हमारा बल्ब है वो बिल्कुल ख़राब है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, इस बल्ब को ठीक करते हैं। दोस्तों जो ब्लैक लाइट हो चुकी है हम उसको पेचकश या टेस्टर की मदद से उसको ऊपर से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद और इस पर सोल्डिंग वायर कावी की मदद से लगा देंगे। ये देखें इसको मैंने साफ कर दिया है, अब मैं इसको फोल्डिंग वायर कर दूंगा कावी की मदद से। ये बल्ब चेक करेंगे दोस्तों आपके सामने का ये काम करता है या नहीं करता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। रब्ता करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आप दोस्तों देखेंगे हमारा जो बल्ब है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप भी अपने बल्ब इस तरह ठीक कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इसकी जो टिक्की है वो भी हम इसको चेंज करके दिखाएंगे। जो बल्ब होते हैं जो ठीक नहीं होते उनकी टिक्की चेंज करके भी आप खुद ठीक कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों ये हमारा बल्ब है वो ठीक हो चुका है। दोस्तों इस तरह आप भी अपने बल्ब फ्री में ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।